हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय स्वागत करेंगे आपके अपने चैनल विजुअल क्लास यूट्यूब चैनल पे। शुरू करेंगे इस वीडियो में देश के जो पूर्व राष्ट्रपति है प्रणब मुखर्जी, उनकी बायोग्राफी, उनकी जीवनी। तो इस वीडियो को आगे बढ़ने से पहले लाइक कर दें, शेयर कर दें, और नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि हर नए वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको समय पर मिलती रहे। शुरू करेंगे वीडियो को। प्रणब मुखर्जी, उनका जन्म हुआ था 11 दिसंबर 1935 को पश्चिमी बंगाल के अंदर, और उनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई है 31 अगस्त 2020 को दिल्ली के आर्मी रिसर्च हॉस्पिटल के अंदर। भारत के जो है वे 13वें राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। 26 जनवरी 2029 को प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। उनको भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? 26 जनवरी 2019 को। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या थे? वरिष्ठ नेता थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन ने उन्हें अपना उम्मीदवार घोषित किया है। सीधे मुकाबले में उन्होंने अपने प्रतिपक्षी थे पीए संगमा, उनको हराया। उन्होंने 25 जुलाई 2012 को भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली। प्रणब मुखर्जी ने किताबें भी लिखी हैं, उनमें एक है दी कोलेशन ईयर्स 1996-2012, ये उनकी पुस्तक हैं। आगे देखेंगे वो भारत के राष्ट्रपति के रूप में, भारत के राष्ट्रपति के रूप में जो है 25 जुलाई 2012 को उन्होंने शपथ ली थी, और उनका कार्यकाल जो समाप्त हुआ था वो हुआ था 25 जुलाई 2017 को। उनके समय में जो प्रधानमंत्री थे वो थे मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी। यानी जब उन्होंने शपथ ली थी उस समय थे मनमोहन सिंह, और जब उनकी राष्ट्रपति के पद के जो 5 साल पूरे हुए तब थे नरेंद्र मोदी, और जो उपराष्ट्रपति रहे उनके कार्यकाल के समय में वो थे मोहम्मद हामिद अंसारी, और उनसे पहले जो राष्ट्रपति थे वो थी प्रतिभा पाटिल। यानी उनसे पहले कौन थी? प्रतिभा पाटिल। और उनके बाद कौन बना है राष्ट्रपति? वो बना है रामनाथ कोविंद, जो कि अभी वर्तमान में है। उसके बाद उन्होंने जो है भारत के वित्त मंत्री के रूप में भी कार्य किया, तो वो भी देख लेते हैं। भारत के वित्त मंत्री के रूप में कार्य उन्होंने 25 जनवरी 2009 को उन्होंने शुरू किया, और 26 जून 2012 तक उनका कार्यकाल रहा वित्त मंत्री के रूप में। उनके समय में प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह। कौन थे? प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। और उनसे पहले जो वित्त मंत्री थे वो थे मनमोहन सिंह, और उसके बाद भी जो वित्त मंत्री बने उनके बाद वो भी बने हैं मनमोहन सिंह। और जो दूसरा कार्यकाल रहा है वित्त मंत्री के रूप में उनका, वो था 15 जनवरी 1982 को से 31 दिसंबर 1984 तक। और उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो थी इंदिरा गांधी और राजीव गांधी, उनके समय में थे। और उनसे पहले जो वित्त मंत्री थे वो थे रामास्वामी वेक्ट्रम, और उनके बाद जो वित्त मंत्री बने थे वो थे विश्वनाथ प्रताप सिंह, जो है उनके बाद, यानी 1984 के बाद जो है बने थे विश्वनाथ प्रताप सिंह, और जो 1982 से पहले थे वो थे रामास्वामी वेक्ट्रम। आगे देखें भारत के विदेश मंत्री के रूप में कार्यकाल। भारत के विदेश मंत्री के रूप में कार्यकाल उनका 10 फरवरी 1995 से शुरू हुआ, और 16 मई 1996 तक उनका विदेश मंत्री के रूप में कार्यकाल रहा। उन समय प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, और उनसे पहले जो विदेश मंत्री थे यानी 10 फरवरी 1995 से पहले वो थे दिनेश सिंह, और जो 16 मई 1996 के बाद जो विदेश मंत्री बने उनके बाद वो थे सिकंदर बख्त। आगे हैं भारत के रक्षा मंत्री के रूप में उनका कार्यकाल। भारत के रक्षा मंत्री के रूप में उनका कार्यकाल 22 मई 2004 से शुरू हुआ, और 26 अक्टूबर 2004 तक रहा। और उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो थे मनमोहन सिंह। कौन थे प्रधानमंत्री उस समय? मनमोहन सिंह। और उससे इनके कार्यकाल से पहले जो रक्षा मंत्री थे वो थे जॉर्ज फर्नांडिस, और उनके बाद जो रक्षा मंत्री बने वो बने एके एंटोनी। फिर उनका जो है भारतीय योजना आयोग है उनके उपाध्यक्ष के रूप में कार्यकाल देखेंगे। उनका जो कार्यकाल है उपाध्यक्ष के रूप में कार्यकाल वो हुआ था 24 जून 1991 से शुरू, और 15 मई 1996 तक रहा। उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो थे पीवी नरसिम्हा राव,
उनसे पहले जो उपाध्यक्ष रहे हैं भारतीय योजना आयोग के, वो थे मोहन दारिया, और उनके बाद जो बने थे वो थे मधु दंडवते। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और शेयर जरूर कर दें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। और इनका जन्म है वो एक बार फिर बता देता हूँ कि जन्म उनका हुआ है 11 दिसंबर 1935 को, यानी इनकी जो आयु रही है वो रही है 84 वर्ष। सॉरी, इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था मिराती गांव में, बीरभूमि जिला में, ब्रिटिश भारत के अंदर हुआ था इनका जन्म। इनकी मृत्यु हुई थी वो हुई है 31 अगस्त 2020 को दिल्ली के आर्मी हॉस्पिटल के अंदर। जन्म से उनका नाम प्रवण कुमार मुखर्जी था। राजनीति दल जिनमें इनका योगदान रहा वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिनमें 1969 से लेकर 1986 से तक रहे, और उसके बाद फिर उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई जिसका नाम था राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस, जिनमें उन्होंने 1986 से लेकर 1989 तक रहे, और उसके बाद उनका फिर से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर विलय हो गया, और फिर वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में रहे 1989 से लेकर 2012 तक। इनकी जो पत्नी थी जिनका नाम था सुप्रभा मुखर्जी, इनका विवाह हुआ था 1957 के अंदर, और उनकी जो पत्नी है उनका निधन हुआ 2015 के अंदर। इनके बच्चे हैं वो है तीन, जिनमें एक लड़की और दो लड़के हैं। बच्चे के नाम कुछ इस प्रकार है, शर्मिष्ठा, अभिजीत और इंद्रजीत, यानी दो लड़के हैं उनके नाम है अभिजीत और इंद्रजीत, और जो लड़की है उनका नाम है शर्मिष्ठा। इनकी जो है पढ़ाई वो हुई है कलकत्ता विश्वविद्यालय से, ये हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं। अगला है भारत सम्मान, इन्हें सम्मान के तौर पर जो मिले हैं वो है भारत रत्न 2019 के अंदर, और पद्म विभूषण 2018 के अंदर। कब मिले इनको सम्मान? भारत रत्न 2019 के अंदर, 26 जनवरी 2019 के अंदर, और जो है पद्म विभूषण वो है 2008 के अंदर। MA/LLB के बाद प्रवण दा ने टीचर और पत्रकार के रूप में भी कार्य किए, बाद में उन्हें राजनीति भागी और फिर वो राजनीति के अंदर आ गए। इंदिरा गांधी उनसे इतनी प्रभावित थी, यानी इंदिरा गांधी वो उनके काफी नजदीक थे, वो इतनी प्रभावित हुई कि कई दिग्गजों का उन्होंने पत्ता काट के 1969 के अंदर उन्हें राज्यसभा का सांसद बना दिया। वो काफी इंदिरा गांधी के नजदीक माने जाते थे। प्रणब मुखर्जी द्वारा लिखी जो बुक्स है उनको भी, कुछ जो इम्पोर्टेंट बुक्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। वर्ष 1969 में लिखी गई उनकी मिड टर्म पोल बियाइंड सर्वाइवल, वर्ष 1984 में उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था में उभरते आयाम लिखी, 1987 में ऑफ द ट्रैक लिखी, 1992 के अंदर उन्होंने चैलेंज बिफोर द नेशन लिखी, 1992 में एक और उनकी पुस्तक आई थी सांगा ऑफ ट्रगल एंड श्री फाइस, और आखिरी जो उनके जो जीवन है उनमें वो 40 साल से जो है अपनी जीवनी पर जो है बुक लिख रहे थे, और जिसका प्रकाशन है उन्होंने बोला था कि उनकी मृत्यु के बाद उसका प्रकाशन हो। तो उम्मीद करेंगे आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दें, शेयर कर दें इस वीडियो को, और अगर नए हैं चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सुबह सुबह मिलती रहे। हमारे जो डेली करंट अफेयर की वीडियो आते हैं वो आपको डेली मिलती है 4:30 बजे सुबह, अर्ली मॉर्निंग। तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करेंगे। मिलेंगे अगले किसी खास इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।